अभी हमारे साथ हैं विपिन कौशल जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, घीटी में जो क्लासिकल, जो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? जैसे युवा पीढ़ी आजकल इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, सीख रहे हैं आप जैसे बच्चे, तो कितना मोटिवेट होते हैं यहाँ आके आप सुन के इनको? सर, निसंदेह ये जो शिमला का क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है, तो हम उस टाइम कॉलेज में होते थे रामपुर में, तो हमें लगता था कि हम भी कभी यहाँ पे आके इनको देख सके, आर्टिस्ट को देख सके, उनका एक आभा मंडल, उनका ऑरा महसूस कर सके। तो ये निसंदेह संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि हम आपको, हम आर्टिस्ट को यहाँ पे देख पा रहे हैं। जी जी, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं, आप लोग तो म्यूजिक सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सीखते नहीं हैं और चाहते हैं कि एकदम से ऐसे ही आगे निकल जाए, शॉर्टकट, या सोचते हैं बाई लक, या कहते हैं गॉड गिफ्ट, तो कितना हेल्प करती है चीज़ें आगे जाने में? गॉड गिफ्ट मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ही हमारे को आगे ले जा सकती है, पर एक एक समय ऐसा आता है कि गॉड गिफ्ट उस टाइम काम नहीं आता, उस टाइम सिर्फ वो चीज़ काम आती है जो हमने सीखा हुआ है, या फिर जो गुरुओं का हम पे आशीर्वाद रहता है, जो गुरुओं की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, वही चीज़ें हमारे को आगे ले जाती हैं। शास्त्रीय संगीत में खासकर गॉड गिफ्ट से काम नहीं चलने वाला है। विभाग के लिए कुछ कहना चाहोगे, विभाग की ये कोशिश? जी जी, विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हर साल ये कार्यक्रम कराते हैं। अभी पिछले 2 सालों में खैर हुआ नहीं कार्यक्रम, ये तो कोरोना की वजह से, चलो कोई नहीं, पर आगे ये हमेशा होता रहे, बस यही आशा है।